हेलो, वेलकम टू माय चैनल सैनी ट्रैवलर। आज हम लोग पहुंचे हैं पठानकोट के गांव बमियाल में। इसे जीरो लाइन कहा जाता है क्योंकि इस गांव से आगे कोई और गांव नहीं है, पाकिस्तान का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। हम आज पहुंचे हैं इस गांव के चमत्कारी प्राचीन मंदिर महावीर मंदिर। कहा जाता है कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 और 71 में, पाकिस्तान की कोई भी बम गोलियां इस मंदिर के आगे नहीं जाती और ना ही कभी इस गांव को कभी भी किसी भी तरह का जानी या किसी भी तरह का नुकसान हुआ है। इस मंदिर की बहुत ही ज्यादा मान्यता है। आइए आपको इस मंदिर के दर्शन कराएं। अब हम इस चमत्कारी मंदिर के अंदर आ चुके हैं। क्या है इस मंदिर का सच रहस्य, आइए आपको पुजारी जी से बात कराते हैं और सारी जानकारी। नमस्कार पुजारी जी। नमस्कार पुजारी, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम महंत ओम प्रकाश। ओम महंत ओम प्रकाश। अच्छा पंडित जी, आज हम आए हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे पता करने। आप सबसे पहले हमें बताइए कि ये मंदिर कितने साल पुराना है। ये 250 साल पुराना मंदिर है और ये जो महावीर जी की मूर्ति, ये सपने में प्राप्त हुई मूर्ति है। मतलब ये मूर्ति के बारे सपने में पता लगा? सपने में, जो हमारे तपो बाबा जी थे ना, हमारे कुल के लोग, उनको रात को सपना आया था कि मैं वहाँ पड़ा हूँ दरिया उजरी। सुबह वो जब जाते हैं तो वह ये मूर्ति उनको प्राप्त हो जाती है। अच्छा, पहले ये मूर्ति कच्चे मकान में रखी गई, फिर उसके बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ, फिर मूर्ति की जहाँ स्थापना कर दी गई। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को 20 एकड़ जमीन और एक कुएं का निर्माण करके दिया था। वो आजकल भी जमीन मंदिर की है और कुआं बाहर बना हुआ है। बहुत मान्यता है इसकी। ये ग्राम देवता बनके, इलाके का देवता बनके इस जगह विराजमान है। पंडित जी, आप हमें बताइए कि यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर कितनी दूरी पर है? 1 फरलांग से भी कम है जी। बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर ये गाँव है बमियाल। इस गांव की 450 एकड़ जमीन जो है ना, जो फेंसिंग हुई है, तार लगी उसके आगे है। मतलब इस गांव की 450 एकड़ जो जमीन है पाकिस्तान में आती है? पाकिस्तान के बिल्कुल साथ साथ चलती है। अच्छा, फिर वहां पर जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो वहां गेट लगा हुआ है, वहां पास बने हुए हैं, उन पास को दिखा के अपनी खेती में जाना पड़ता है। तो आप कभी उस तरफ बॉर्डर के उस पार कभी गए? हाँ, हमारी जमीन भी उधर है। अच्छा, आप जाते रहते हैं? हाँ जाते हैं। तो वहाँ के कुछ लोगों के बारे में बताइए, वहाँ के लोग कैसे हैं? वहाँ तो कोई नहीं आता। अच्छा, मतलब बाबा की फोर्स होती है उधर। ठीक है। अच्छा पंडित जी, हमने एक बहुत ही चमत्कारी बात यहाँ की सुनी है कि जब भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है इंडिया का, तो यहाँ पर पाकिस्तान की कोई भी बम गोलियां कभी भी इस मंदिर से आगे नहीं जाती, ना ही कभी इस गांव को किसी तरह का भी नुकसान हुआ है। कितना सच है, क्या रहस्य है, आप हमें बताइए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। 1965 में, 1971 में जितने भी युद्ध हुए, इस गाँव के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी पशु पक्षी का कभी नहीं हुआ, मनुष्य की तो बात छोड़िए। जाने के जो इतने गोले आते हैं वो पीछे पीछे फट जाते हैं, मंदिर के आगे बिल्कुल नहीं जाते। मतलब कि ये जो हनुमान जी की ये प्राचीन मूर्ति, प्राचीन मूर्ति, ग्राम देवता बन के आए हैं, इस गांव की रक्षा का जिम्मा इन्होंने उठा रखा है। फिर तो पंडित जी हम कह सकते हैं कि गांव बहुत ही सौभाग्यशाली है, साक्षात हनुमान जी यहां पर प्रकट है और पूरे गांव की रक्षा करते हैं। आपको कैसा महसूस होता है? भाग्यशाली गाँव है जी, जहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, गांव की रक्षा करते हैं। अभी तक हमारे जहाँ जितने फौज में नौकरी करते हैं, कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ, कोई भी ऐसे कोई। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपके गांव के भी जितने मिलिट्री में फौज में काम करते हैं, उन्हें भी कभी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ? जो बाहर जाते हैं, बॉर्डर के ऊपर हैं, लड़ाई सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे गाँव के अंदर ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इनके गांव के भी जितने लोग मिलिट्री में बॉर्डर में, कभी उन्हें भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। सबके ऊपर, इस गांव के पूरे लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा है। ये सुन के पंडित जी हमें बहुत ही एक अच्छा लग रहा है, हमें एक सुकून सा मिल रहा है कि हम इस चमत्कारी मंदिर में बैठे हुए हैं। कुछ मंदिर की कुछ और दिलचस्प बातें कुछ और हमें बता सकते हैं? 1971 में युद्ध हुआ था तो बिहार रेजिमेंट इधर लगी थी,
कुछ फौजियों ने मंदिर में आके मन्नत मानी थी कि हम बच जाएंगे, हमारे प्राण बच जाएंगे तो हम दोबारा आएंगे, लेकिन वो इस बात को भूल के युद्ध के बाद 18 साल के बाद उनको फिर रात को उधर से ही हनुमान जी ने दर्शन देके ये बताया कि भाई आप मुझे भूल के वो 18 साल के बाद फिर मंदिर में आकर के अपनी जो मान्यता मानी थी उसको पूरा करके गए थे, तो उनको मन को शांति प्राप्त हुई। अब आपको यहाँ से आगे जो बॉर्डर है पाकिस्तान का आपको हम वो दिखाते हैं। चलिए ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय हमें दिया। आप ये जो देख रहे हैं ना, अब तो ये जहाँ घाट बन गए हैं, तो जहाँ तो 3-4 बहुत बड़े बड़े जो बम थे वहाँ गिरे थे, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, ना मंदिर को हुआ ना किसी को हुआ। ये प्राचीन हनुमान जी की चमत्कारी मूर्ति है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। अब इस गांव के नागरिक विनय शर्मा जी हमें उस पाकिस्तान बॉर्डर में लेके जाएंगे और हमें वो बॉर्डर दिखाएंगे। हम बॉर्डर तक गए लेकिन हमें शूट करने का परमिशन नहीं मिला। ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।